वेब सीरीज तांडव पर मचा बवाल शांत होने के बजाय तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तांडव में दर्शाए गए कई सीन आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से 6 शहरों में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद यूपी पुलिस मेकर्स के साथ पूछताछ करने के लिए मुंबई गई। और अब अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित से यूपी पुलिस दिल्ली में पूछताछ करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए, सीरीज तांडव पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बात बढ़ती जा रही है। और अब 6 शहरों में FIR दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस मेकर्स से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंच गई। तांडव विवाद की जांच करने मुंबई गई यूपी पुलिस की टीम ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता और निर्देशक से 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। इस दौरान तांडव की टीम ने यूपी पुलिस के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा है। यूपी पुलिस की टीम अब मुंबई से वापस लौट आई है। मुंबई के अंधेरी और जुहू में यूपी पुलिस के सामने वेब सीरीज तांडव की टीम पेश हुई। इनमें फिल्म निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, निर्देशक अली अब्बास जफर और लेखक गौरव सोलंकी शामिल थे। यूपी पुलिस के सामने इन तीनों ने अलग अलग पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया है। सुरक्षा की वजह से इनसे अलग अलग लोकेशन पर पूछताछ की गई थी। इस दौरान वेब सीरीज निर्माताओं ने विस्तार से अपना पक्ष यूपी पुलिस के सामने रखा। यूपी पुलिस ने जरूरी स्पष्टीकरण भी मांगा। अमेजॉन प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित से यूपी पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है। अपर्णा अभी दिल्ली में है, इसीलिए उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया है। यूपी पुलिस दिल्ली में अलग से अपर्णा का बयान लेगी और इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की टीम मुंबई में निर्देशक अली अब्बास जफर के घर पहुंची थी, लेकिन अली अब्बास घर पर मौजूद नहीं थे। उनके घर पर ताला लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपका दिया था। नोटिस के अनुसार जफर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने 27 जनवरी को सुबह 10 बजे पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया था। इस नोटिस के बाद तांडव की टीम ने मुंबई में ही यूपी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा। वेब सीरीज तांडव की प्रस्तुति पर देश भर में कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। देश भर में व्यापक विरोध देखने के बाद वेब सीरीज तांडव की टीम अपनी सीरीज में बदलाव करने को भी तैयार हो गई है, लेकिन इस सीरीज के खिलाफ यूपी समेत देश के कुछ और शहरों में FIR दर्ज की गई है। यूपी पुलिस यूपी में दर्ज केस के मामले में वेब सीरीज की टीम से पूछताछ करने मुंबई गई थी। वैसे इस विवाद के बाद से मेकर्स की तरफ से कई मौकों पर माफी मांगी गई है। खुद डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर इस विवाद पर सफाई दी है, पर यूपी पुलिस अपनी जांच के बाद ही कोई फैसला देगी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगते हुए पूरे विवाद पर सफाई दी है, पर यूपी पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और इस विवाद पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। पर देश भर में विरोध देखने के बाद वेब सीरीज तांडव की टीम अपनी सीरीज में बदलाव करने को भी तैयार है, लेकिन अब मामला यूपी पुलिस के हाथ में है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।